हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने स्केचेस को किस तरह से सुंदर और क्लीन दिखा सकते हैं। मुझसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपके स्केचेस काफ़ी क्लीन, नीट और अट्रैक्टिव होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किन मेथड का यूज़ करता हूँ अपने स्केचेस को सुंदर दिखाने के लिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, तो हम ऊपर और नीचे टेप लगा सकते हैं बॉर्डर के लिए। टेप लगाने के बाद आपका स्केच कुछ इस तरह से दिखेगा, जिस तरह से ये दिख रहा है। ऊपर और नीचे मैंने टेप लगाई थी, तो आप देख सकते हैं जगह छुटी हुई है और काफ़ी सुंदर लग रहा है स्केच। इस तरह से आप ऊपर और नीचे टेप लगा सकते हैं और फिर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप चारों तरफ भी टेप लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे इस स्केच में आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ टेप लगाई थी इसमें, यहाँ पे भी और इस एरिया में भी और जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे भी। इससे भी काफ़ी अच्छी लुक आती है हमारे स्केचेज में। टेप मैं सिंपल वाली यूज़ करता हूँ, पेपर की, या आपको मार्केट में मिल जाएगी ईजिली। तो आप देख सकते हैं इस स्केच में मैंने वैसे ही चारों तरफ से बॉर्डर किया है, ऊपर से भी नीचे से भी। या फिर अगर आपको टेप का यूज़ नहीं करना है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्केच में आप देख सकते हैं नीचे थोड़ी ज़्यादा शेडिंग हो रखी है, तो उसके लिए मैं इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं सिंपली सीधा इरेज करूँगा इस तरह से, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर आपको टेप का यूज़ नहीं करना है तो। अगर आपकी ग्रेफाइट नीचे तक फैल चुकी है जो भी आप क्लोथ ड्रॉ करते हो, तो इस तरह से आप इरेजर का यूज़ करके उसको सीधा कर सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपकी फोटोग्राफ इस तरह की है लैंडस्केप में, तो आप लैंडस्केप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी आप शोल्डर देख सकते हैं, अगर मैं पोर्ट्रेट में ड्रॉ करता तो अच्छा नहीं लगता, वो पोर्ट्रेट में इसकी शोल्डर नहीं आ पाते, तो मैंने लैंडस्केप में ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग। स्केच में भी आप देख सकते हैं मैंने लैंडस्केप में क्लोथ ड्रॉ किए हैं, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं लैंडस्केप में। और जो नेक्स्ट मेथड है वो मेरा काफ़ी फेवरेट है, इसमें आप फेस हेयर पे ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी आप जो क्लोथ वगैरह हैं वो कलर पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इन स्केचेस में ड्रॉ किया है। बाकी तो मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का ही यूज़ किया है, बट जो क्लोथ हैं उनमें मैंने कलर पेंसिल्स का यूज़ किया है। गाइज, ऐसा भी काफ़ी सुंदर लगता है स्केच, आधा ब्लैक एंड वाइट में और आधा कलर में। इस स्केच में आप देख सकते हैं जो क्लोथ है वो मैंने हल्की हल्की शेडिंग की है, क्योंकि वो पूरा अच्छे से नहीं आ पाता तो मैंने हल्की हल्की शेडिंग कर दी, बट फेस और हेयर मैंने काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ किए हैं। इस ड्राइंग में भी मैंने सेम ही किया, हल्के हल्के टेक्सचर ड्रॉ कर दिए क्लोथ्स के, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लगता है। इससे भी अगर आपको पूरा ड्रॉ नहीं करना है, हल्के हल्के टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं एंड छोटे छोटे स्केचेस ड्रॉ कर सकते हैं आप इस तरह के, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये स्केचेस भी। बस उन्हीं मेथड का यूज़ करना है, टेप वगैरह का यूज़ करके। इस ड्राइंग में देखो मैंने पूरी टी शर्ट ड्रॉ नहीं की, बट थोड़ी थोड़ी लाइन लगा दी और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो कि मैं अपने स्केचेस में यूज़ करता हूँ। स्केल का यूज़ करके आप इस तरह से बॉर्डर भी ड्रॉ कर सकते हैं चारों तरफ लाइन लगा के, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इन लाइन के अंदर आप हल्की हल्की शेडिंग भी कर सकते हैं। स्केच को कंप्लीट करने के बाद अगर आप उसकी फोटोग्राफ अच्छे से खींच के अपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक कहीं पे भी अपलोड करोगे तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप बगल में पेंसिल रख सकते हैं, जिस तरह से आप अब मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट देखते होंगे, तो मैं इसी मेथड का यूज़ करता हूँ। जिन भी पेंसिल्स का यूज़ करके आपने वो स्केच ड्रॉ किया हो, उन पेंसिल्स को आप साइड में रख लो, एक अच्छे से एंगल से फोटोग्राफ क्लिक कर लो बिना शाइन के, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप पेंसिल का छिलका भी रख सकते हैं बगल में, उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ मेरी इंस्टाग्राम वाली, मैं सभी फोटोग्राफ इसी तरह से क्लिक करके अपलोड करता हूँ। ये अब्दुल कलाम वाली और ये विराट कोहली वाली। अगर आपने मेरे स्केचेस की फोटोग्राफ देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सरोज जोशी आर्ट के नाम से मेरा अकाउंट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं मेरे स्केचेस को देख के। अब लास्ट मेथड के ऊपर बात करते हैं, तो आपने चारों तरफ टेप लगानी है पहले तो, और उसके बाद आपने लाइट पेंसिल का यूज़ करके चारों तरफ शेड करना है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना किस तरह से बैकग्राउंड शेड करना है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को शेड कर सकते हैं चारों तरफ टेप लगा के। इस वीडियो में तो मैं बस आपको इतने बता रहा हूँ कि चारों तरफ आपने टेप लगानी है और लाइट पेंसिल का यूज़ करके शेड करना है, बट जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने डिटेल अच्छी तरह से बता रखा है कि किस तरह से आपको इस मेथड का यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप। अब टेप को हटाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर लगता है ये। आप यहाँ पर ग्रेफाइट की जगह कलर पेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कलर बैकग्राउंड देना है तो, अगर बिल्कुल ब्लैक देना है तो आप चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, यही है कुछ मेथड जिनका मैं यूज़ करता हूँ अपने स्केचेस में, अपने स्केचेस को क्लीन और नीट दिखाने के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपके स्केचेस काफ़ी क्लीन होते हैं, तो मैं इन्हीं मेथड का यूज़ करता हूँ, आप भी इन मेथड का यूज़ कर सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।